मध्य प्रदेश के मनावर में इन दिनों एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहने वाले एश हॉन्सचाइल्ड ने मनावर की तबस्सुम हुसैन को अपना जीवन साथी बनाया है। विदेशी दूल्हा हॉन्सचाइल्ड जब घोड़ी पर सवार होकर निकला तो लोग इस विदेशी दूल्हे को देखते रह गए। बारात के दौरान दूल्हा बने ऐश भी बैंड बाजे की धुन पर नाचते नजर आए। बाराती बने रिश्तेदारों ने भी जमकर डांस किया। दूल्हे की माँ जेनियर पेरी भी ढोल की थाप पर थिरकती हुई नजर आईं। वहीं दुल्हन की माँ जुलूका हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू झलकते दिखाई दिए, जबकि पिता सादिक हुसैन रास्ते भर घोड़े को पकड़ कर चलते रहे। दोनों भाई और दोस्त बारात में नाचते रहे। दरअसल तबस्सुम हुसैन और एस हॉन्सचाइल्ड की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब तबस्सुम पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। ऐश और तबस्सुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ और इसी साल अगस्त में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। वहीं जब दोनों भारत आए तो ऐश भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि भारतीय रीति रिवाज से दोनों ने शादी करने की ठान ली। हमको बहुत खुशी है, हमारे घर वालों को बहुत इंतजार था। हमने अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज। अब हम यहाँ आके कर रहे हैं और हम दोनों को बहुत खुशी है। आपके परिवार वालों को क्या लग रहा? आप हमारे परिवार वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने शादी कर ली, स्पेशली क्योंकि उनको लगता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी है। बता दें कि तबस्सुम के पिता सादिक हुसैन की एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। सादिक ने बताया कि साल 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने तबस्सुम को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए 45 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। इसके साल भर बाद 2017 में तबस्सुम पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में चली गई थी। वहीं ऐश ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के कल्चर का अंतर बताया। ऐश ने कहा कि वो कई देशों में घूमे हैं लेकिन भारत सबसे खूबसूरत देश है। उन्होंने कहा कि मनावर सबसे ज्यादा स्वागत और प्यार करने वाला शहर है।